हेलो एवरीवन, मैं यश मैम आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं बताऊंगी कि 5-6 महीने के बच्चे के लिए क्या आहार होता है, क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस टाइम 6 महीने तक तो माँ का दूध पीते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। मतलब 6 महीने के बाद तो खिलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आज बताऊँगी कि 5 से 6 महीने के बच्चे के लिए आप क्या खिला सकते हैं जिससे बच्चे का पेट भर जाए और बहुत ही हेल्दी होता है, वजन भी बढ़ता है बच्चों के लिए, बच्चों का। और कितने बच्चे, काफ़ी बच्चे पतले होते हैं जिनका वजन नहीं बढ़ पाता है और माँ के दूध से भी हेल्दी नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं बताऊंगी कि कौन सा आहार बच्चे को देना चाहिए जिस वजह से बच्चे का वेट बढ़े और बच्चा बिल्कुल हेल्दी दिखे और अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को क्या देना चाहिए। तो साबूदाना देना चाहिए। साबूदाना को क्या करना है कि इसको पीस लीजिए, या पीसने के बाद इसका खीर बना लीजिए, या आप इसको बिल्कुल पाउडर बना के एक कंटेनर में रख लीजिए। और उसके बाद आप इसको दूध में, बच्चे को जब दूध पिलाते हैं बाहर का, तो उस दूध में मिलाकर इसको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा इसको दूध के रूप में भी पी सकता है, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, आराम से पी लेगा। और चाहे आप तो साबूदाने का खीर बना सकते हैं बिना दूध का भी। ये पानी में उबाल लीजिए, बिल्कुल बिना पीसे हुए भी इसको पानी में उबाल सकते हैं। तो उबालने से अगर बच्चे को दिक्कत है बिना पीसे हुए बनाने का, तो आप इसको पीस सकते हैं, पीस के भी बना सकते हैं, जिससे पतला इसका जो पाउडर है वो बन जाएगा और बच्चे को खाने में दिक्कत नहीं होगा और पाचन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। उसके बाद तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मेरे घर का आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं अपने बेबी को भी देती थी और खिलाती थी। जब 6 मंथ का था मेरा बेबी, तो मैं उसको भी देती थी खाने के लिए। तो आप हिचकिचाए ना, आप दे सकते हैं बेबी को खाने के लिए। और आप चाहे तो इसको बस पाउडर बना लीजिए और दूध में मिक्स करके आप दे सकते हैं, या इसका खीर बना लीजिए, हल्का सा चीनी डाल दीजिए और खीर बना के खिला सकते हैं। तो आप चाहे तो दूध वाला भी खीर बना के बच्चे को दे सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो उसके लिए। तो आप दूध बना के भी दे, दूध में डाल के भी आप खीर बना के बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे आप खिला सकते हैं बच्चे को वैसे खिलाएं, लेकिन आप हो सके तो आप इसका पाउडर बना लेंगे तो आप बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका दाना जो है बहुत ही बड़ा होता है। अगर आपको छोटे दाने का भी साबूदाना मिले तो भी बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा, आप वो भी मंगवा सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को बिना पीसे भी पाउडर बनाए भी आप खिला सकते हैं। तो आप इसका, आप चाहे तो जो पुलाव होता है पुलाव भी बना सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स वगैरह डालना है आप वैसे डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको उसमें डालना है। तो आप जैसे हम लोग फलाहार में खाते हैं, व्रत में खाते हैं, उस तरीके का आप बच्चे को बना सकते हैं, पुलाव बना के बच्चे को खिला सकते हैं। तो साबूदाना किसी भी रूप में आप बच्चे का सेवन करेंगे साबूदाना का, तो बच्चे बहुत ही हेल्दी होगा और वजन भी बढ़ेगा। और अगर बच्चा दूध कम भी पीता है, अगर दूध नहीं भी पीता है कम भी पीता है, तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। और आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, जिसमें सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे भी बच्चा आपका खाए उस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। तो आप चाहे तो छोटे दाने वाले साबूदाना लेकर आप इसका सेवन करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर।